हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोमल बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। उसको जो चाहिए होता उसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक चली जाती थी। उसकी इसी जिद्दीपन ने उसको काले जादू की ओर आकर्षित किया। उसने इंटरनेट और कई काले जादू की किताबें पढ़ पढ़ कर खुद को काले जादू में निपुण कर लिया, जिसके बाद उसे जो चाहिए था उसके न मिलने पर वो काले जादू का सहारा लेती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल को देखने एक मोहन नाम का लड़का आता है, जो कोमल के घर जाकर उसकी माँ रमा से कहता है, आंटी जी माफ करिएगा, मुझे कोमल जी पसंद नहीं है। मैं अपनी माँ के कहने पर यहाँ इनको देखने आया, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ। बेटा ऐसा था तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं था। अपनी माँ से कह देते ना कि तुम्हें कोई और पसंद है। हाँ, यहाँ आकर हमारा समय बर्बाद क्यों किया? माफ करना, मुझे पता है मैंने गलत किया है, लेकिन मेरी माँ मेरी शादी तब तक मेरी पसंद से नहीं करवाएंगी जब तक हर जगह से मुझे रिजेक्शन ना मिले, इसलिए आप कह देना मैं आपको पसंद नहीं आया। मोहन इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद कोमल अपनी माँ से बोलती है, माँ अब तो मुझे इस इंसान से ही शादी करनी है। हम अपनी साइड से मना नहीं करेंगे, ना ही वो मना करेगा। पर बेटा तुझे जो पसंद ही नहीं करता उससे शादी करके क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही है? वो मुझे पसंद करेगा और खुद आएगा ये कहने कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। कोमल इतना बोलकर मोहन जहाँ बैठा था उस जगह ध्यान से छानबीन करती है और वहाँ उसको एक बाल मिल जाता है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और वहाँ जाकर अपने कुछ काले जादू की विधियाँ करती है, जिसके चलते कोमल के सम्मोहन में आकर मोहन अपने घर पहुँचने से पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड रिया से मिलने जाता है, जहाँ वो उससे बोलता है, रिया मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे मेरी माँ की पसंद की हुई लड़की से शादी करनी है। ये तुम क्या कह रहे हो मोहन, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ तुम्हें पता है ना, फिर भी तुम ऐसे बोल रहे हो। और तुमने कहा था तुम अपनी माँ को मना लोगे, लेकिन तुम यहाँ मुझे ही छोड़ने की बात कर रहे हो। मुझे जो कहना था कह दिया है, अब मैं जा रहा हूँ। मोहन इतना बोलकर अपने घर जाता है और कोमल से शादी करने के लिए अपनी माँ सुजाता को हाँ कहता है। ये सुनकर सुजाता कहती है, सच में बेटा आज मैं खुश हूँ कि तूने पहली बार मेरी देखी लड़की को हाँ किया, लेकिन अफसोस की बात है कि लड़की वालों ने तुझे मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि तूने बोला था कि तुझे कोमल पसंद नहीं है। हाँ मैंने बोला था, लेकिन अब मुझे पसंद है और अब चिंता मत करो, मैं उनको मना लूंगा शादी के लिए। मोहन कोमल के सम्मोहन में था, जिसके चलते वो अगले सुबह कोमल के घर जाता है और कोमल उसकी माँ को शादी के लिए मना लेता है, जिस बात से कोमल बहुत खुश हो जाती है। आखिर उसने अपने काले जादू के चलते मोहन को अपना बना ही लिया था। साथ ही वो मोहन के हाथ पर उस वक्त एक धागा बांध देती है, जिससे मोहन उसके सम्मोहन से बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसे ही कुछ समय में दोनों की शादी होती है और कोमल सुजाता की बहू बनकर उसके घर आती है। शादी के 2 दिन बाद सुजाता कोमल की मुंह दिखाई रखती है और वहां आई सुजाता की पड़ोसन शारदा कोमल का चेहरा देखकर बोलती है, अरे सुजाता बहन तुम्हारी बहू वैसे तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें जिस लड़की का रिश्ता बताया था वो इससे ज्यादा सुंदर थी। अब बहन क्या कर सकते हैं, मेरे बेटे को तुम्हारी बताई लड़की पसंद ही नहीं आई और मुझे तो मेरी बहू बहुत पसंद है। मेरे ही सामने मेरी ही बुराई करने की हिम्मत कैसी हुई इस औरत की, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। कोमल मुंह दिखाई के बाद अपने कमरे में जाते वक्त शारदा के ऊपर जानकर गिरकर उसके सर से उसका बाल तोड़ लेती है और कमरे में जाकर उस बाल को देखते हुए खुद से कहती है, मेरे अंदर कमी निकाली थी ना तुमने, अब देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। रात को सबके सो जाने के बाद कोमल छत पर जाकर शारदा के बाल को एक काली गुड़िया पर लगाकर शारदा को सम्मोहित कर लेती है। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में हलचल मच जाती है और सुबह सुबह सुजाता को खबर मिलती है कि शारदा ने अपनी छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ये सुनकर सुजाता कहती है, हाय कल तक तो शारदा ठीक ठाक थी, अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी, शुक्र है बच गई मरी नहीं। अच्छा बहू तो ये सब छोड़, आज तेरी पहली रसोई है तो कुछ अच्छा बना ले। जी माँ जी आप बैठिए, मैं कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ आपके लिए और मोहन जी के लिए। कोमल ने अब तक तो काले जादू से ये शादी कर ली थी, लेकिन शारदा को लगभग मार ही दिया था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन शादी को अब 1 महीना गुजर जाता है। मोहन पहले से ज्यादा काफी गुमसुम सा रहने लगा था, जिसके कारण सुजाता को
उसकी फिक्र हो रही थी। और एक शाम वो अपनी बहू से इस बारे में बात करते हुए कहती है, बहू मोहन को किसी बात की चिंता है क्या? मैं देख रही हूँ जब से शादी हुई है तब से वो ना ज्यादा फालतू बोलता है ना हंसता है, बस सीरियस ही रहता है। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ तो वो अच्छे से रहते हैं, काम की वजह से कभी कभी परेशान रहते हैं, आप ज्यादा मत सोचो। तू ठीक कह रही है बहू, चल मोहन आता होगा तो रात के खाने की तैयारी कर ले। कोमल खाना बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर में मोहन घर आता है, लेकिन वो अकेले नहीं बल्कि एक लड़की के साथ आया था। कोमल रसोई से हॉल में आकर अपने पति के साथ एक अनजान लड़की को देखकर कहती है, मोहन जी ये कौन है? ये रिया है। बहू ये वही लड़की है जिसके पीछे मोहन सारी लड़कियां रिजेक्ट करता था, लेकिन जब इसने तेरे से शादी के लिए हाँ की तो मुझे लगा चलो इससे पीछा छूटा, लेकिन देखना आज फिर से इस लड़की के साथ है। अरे आप दोनों सास बहू क्या बात कर रहे हो, पहले मेरी सुनो, ये रिया है मेरी दोस्त है। वो क्या है ना, इसके मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं तो ये हमारे साथ ही रुकेगी। पर बेटा ऐसे कैसे? आंटी जी आप चिंता मत करिए, मानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन अब मुझे पता है मोहन किसी का पति है और मैं बस उसे अपना दोस्त मानती हूँ। मैंने मना भी किया था मोहन को, लेकिन ये ही मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आया। माँ अब खाली घर में अकेली लड़की रहती तो कितना डर लगा रहता, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। क्यों सही किया ना मैंने कोमल? हाँ हाँ सही किया, आओ रिया अंदर आओ। मेरे पति की जिंदगी में मेरे सिवा कोई लड़की इनकी दोस्त बनकर भी नहीं रह सकती, तुझे तो मैं बताऊंगी, मेरे काले जादू के चलते कोई मेरी जिंदगी में ग्रहण नहीं बन सकता। कोमल रिया के आने से बहुत गुस्से में आ गई थी और ऊपर से रिया के आने से मोहन भी खुश दिख रहा था, जिसके चलते रात के खाने के वक्त सुजाता कोमल से कहती है, बहू मुझे लगता है अच्छा हुआ रिया आ गई, देखना मोहन कितने दिनों बाद ऐसे हंस रहा है, अब लग रहा है मोहन पहले जैसा। चलो तो मुझे बहू के रूप में मिल गई और मेरा बेटा खुश है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। सही कहा माँ जी, ये मोहन जी को क्या हुआ, मेरा सम्मोहन हट गया है क्या इनके ऊपर से, जो ये इतने सामान्य दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आज रात इस रिया का काम खत्म करके मोहन जी को मैं फिर से अपने काबू में कर लूंगी। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। रात को सब के सोने के बाद कोमल छत पर जाती है और अपने काले जादू का सारा सामान रख के एक गुड़िया में रिया के बाल लगाते हुए कहती है, अब उस रिया का खेल मैं खत्म करूंगी, मुझसे मेरे मोहन को छीनने आई है उसे नहीं पता, मुझे बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरी पसंद को आंख उठाकर भी देखे। इतना बोलकर कोमल जैसे ही मंत्रों का उच्चारण करने लगती है, तभी पीछे से वहां सुजाता मोहन और रिया आते हैं और कोमल को काली विद्याएं खुद अपनी आंखों से करते देखकर सुजाता कहती है, कोमल बहू। सुजाता की आवाज़ सुनकर कोमल आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है तो हैरान हो जाती है। तभी रिया कहती है, क्या हुआ कोमल, हैरान हो कि ये सब क्यों? अरे तुमने मुझसे मेरा मोहन छीना, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कम से कम प्यार से उसे अपने साथ रखती ना। अब तुम ये सोच रही हो कि ये सब मुझे कैसे पता चला, तो सुनो आज से एक महीने पहले जब मोहन मुझे मिला था तो हमारे बीच के प्यार के चलते उसका सम्मोहन टूट गया और उसने मुझे देखते ही गले लगा लिया। शादी के एक महीने बाद अचानक ही रिया को देखकर मोहन उसे गले लगा लेता है और बोलता है, रिया तुम कहाँ चली गई थी, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुमने मुझे छोड़ा मोहन, मैंने तुम्हें नहीं। ऐसा नहीं है रिया, मैंने तो रिश्ते के लिए मना किया था, लेकिन ना जाने क्या हुआ ऐसा कि अचानक मैं घर जाने की जगह तुम्हारे पास आया और उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे बस इतना पता है कि मेरी शादी हो गई, पर कैसे क्यों कुछ भी नहीं पता। मोहन ने जब मुझे ये बताया तो मैंने तुम्हारे बारे में पता किया, तुम्हारे घर के आसपास के लोगों ने बताया कि तुम काला जादू जानती हो, इसलिए आज मैं मोहन के साथ आई कि अगर ये सच है तो तुम मुझे भगाने के लिए भी इस काले जादू का सहारा लोगी। बहू मैं नहीं जानती थी कि एक ऐसी लड़की को मैंने अपने बेटे के लिए पसंद किया है जो काले जादू में माहिर हो, अब मैं तुझे एक पल नहीं रहने दूंगी अपने घर में, निकल जा। माँ जी आपने ऐसा किया तो मैं आप सबको बर्बाद कर दूंगी काले जादू के सहारे, समझी आप जानती नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ, शारदा आंटी की तरह आपको भी छत से कुदवा दूंगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि धोखे से शादी करने के जुर्म में तुमको सीधे जेल भिजवाऊंगा, सलाखों के पीछे बैठकर करना काला जादू। कोमल की सच्चाई सामने आने पर मोहन
उसे जेल भिजवा देता है और खुद रिया से शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। ईशान अपने कमरे में सो रहा होता है कि तभी उसके कानों में अपनी बीवी सोनी की आवाज आती है और वो उठकर उससे बोलता है, अरे यार अब सुबह सुबह कौन सा भूत चढ़ गया तुम पर जो पूरे घर में भजन गा रही हो। अरे सुबह सुबह भजन नहीं गाऊं तो और क्या करूं? चार दिन पहले ही आपको बोला था कि मेरा छोटा और इकलौता भाई मोंटू आ रहा है हमसे मिलने। अरे वो आज 8 बजे ट्रेन से उतर जाएगा और आप है कि आपकी आँख ही नहीं खुल रही। 7 बज गए हैं, कब जाएंगे उनको लेने? अभी जा रहा हूँ, तुम बस अपना भजन बंद करो यार। इतना बोलकर ईशान बिना कोई देरी किए जल्दी से कपड़े बदलता है और मोंटू को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, जहां वो मोंटू से मिलता है और उसकी मोटाई देखकर बोलता है, और कैसे हो साले साहब, वैसे देखने में तो तंदुरुस्त ही लग रहे हो। अब क्या ही बताऊं जीजा जी, बीच में मैं ठीक हो गया था पर जब से मैं पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर गया हूं तब से कमजोर हो गया हूं। अच्छा जी, अगर आपको कमजोर बोलेंगे तो हमें देखकर लोग बोलेंगे कि हम में तो जान ही नहीं है। क्या जीजा जी, आप ना मुझे हमेशा बातों में फंसा लेते हो, मुझे ना बहुत भूख लग रही है, जल्दी से बाहर चलो और कुछ गर्मा गर्म खिला दो, पूरे 10 मिनट से मैंने कुछ नहीं खाया। ईशान बाहर जाकर उसको सबसे पहले 2 प्लेट छोले भटूरे खिलाता है और 1 प्लेट छोले चावल, जिसके खाने के बाद मोंटू अपने जीजा से बोलता है, रहने दो जीजा जी, इसका खाना अच्छा नहीं है और दीदी ने घर पर कुछ अच्छा बनाया होगा, मैं घर पर ही खा लूंगा। चलिए कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। वैसे साले, मेरा मतलब है साले साहब, आप कितने दिनों के लिए मेरा खून पीने आए हैं यहाँ? जीजा जी, मुझे पता है दीदी से ज्यादा आपको मुझसे प्यार है, बस इसीलिए मैं इस बार 2-3 महीने के लिए आ गया। साले आफत की पुड़िया, मैं तो चाहता हूँ कि तू अभी यहाँ से चला जाए, पर मोटा मेरा खून पी कर ही जाएगा। हे भगवान, अच्छा हुआ जो साली आधी घरवाली होती है, अगर साला आधा घरवाला होता ना तो मेरी तो वाट ही लग जाती। क्या हुआ जीजा जी, चलें? ईशान उसको अपनी बाइक पर बिठाकर घर ले आता है और घर जाते ही मोंटू अपनी बहन से खाना मांगता है, जिस पर उसकी बहन उससे बोलती है, हाय राम, मेरा भाई कितना पतला और कमजोर हो गया है। रुक, मैं अभी तेरे लिए खाना लगाती हूँ, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया होगा ना? हाँ दीदी, तभी तो इतनी भूख लग रही है, और जीजू ने भी रास्ते में बस 2 प्लेट छोले भटूरे और थोड़े से चावल खिलाए थे, उसके बाद कुछ खाने को भी नहीं पूछा। अरे ये तो एक नंबर के कंजूस है, इनको इंसान थोड़े पैसा ही दिखता है बस। सोनी ईशान को भला बुरा सुनाने लगती है और बेचारा ईशान बिना कुछ बोले ही अपने कानों में रुई डालकर अपने कमरे में बैठ जाता है और सोनी अपने भाई को अपने हाथों से अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खाने के लिए देती है। खाना खाने के कुछ ही देर के बाद मोंटू अपने जीजा के पास जाता है और उनके पास जाकर लंबी लंबी छोड़ने लगता है। उसको अपने सामने ऐसे गैस छोड़ता हुआ देखकर ईशान कहता है, साले मतलब साले साहब, आपने अभी अभी खाना खाया है और खाना खाने के बाद तो ढकार मारते हैं और आप पाद। अरे जीजा जी, ये तो दीदी का प्यार था जो उनके खाने में देखा आपने, और ये मेरा प्यार है जो यहाँ से निकल रहा है। साला आफत बन गया है, पता नहीं कब जाएगा, एक ही दिन में जिंदगी नरक बना दी इसने तो मेरी। भगवान ऐसा सांड जैसा साला किसी को ना दे। ईशान ये सोचकर सोने की कोशिश करता है मगर मोंटू उसके बगल में लेटकर उसके ऊपर पैर रखकर सोने लगता है, जिससे ईशान गुस्से में उसका पैर हटाकर उससे कहता है, क्या साले साहब आप मेरे ऊपर क्यों सो रहे हो, मैंने आपके लिए दूसरा कमरा ठीक किया है, वो भी अपने हाथों से, आप उसमें जाकर सो सकते हैं। नहीं जीजा जी, मुझे तो आपके साथ आपके रूम में ही सोना है, जहाँ जीजा वहीं उनका साला मोंटू। पर यहाँ तो तुम्हारी दीदी सोएगी ना। अपने जीजा की ये बात सुनते ही वो अपनी बहन को बुला लेता है और रोते हुए सोनी से बोलता है, देखो ना दीदी, जीजू मुझे अपने साथ सोने नहीं दे रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको मेरे भाई से? अगर आपको मेरा भाई अच्छा नहीं लगता तो बोल क्यों नहीं देते, हमेशा उसे घर से निकालने के बारे में ही सोचते रहते हो, और मेरा प्यारा भाई वो सारा दिन बस जीजू जीजू करता है। अरे यार तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस तो मैं आपके पास सो जाऊं। इतना बोलकर मोंटू अपने दोनों हाथ पैर फैलाकर वहां सो जाता है और ईशान को मजबूरन उसी के साथ सोना पड़ता है, और ईशान बार बार अपने बगल में देखकर बस यही सोच रहा होता है कि आखिर उसका साला अपने घर वापस कब लौटेगा। ऐसे ही अगले दिन
ईशान नहाने के लिए जब बाथरूम में जाता है तो वो देखता है कि बाथटब के अंदर पहले से ही मोंटू बैठा हुआ है। उसे देखकर ईशान उससे बोलता है, अरे साले साहब, आप मेरे बाथरूम में? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप जल्दी से नहाकर बाहर निकलाओ, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ जीजा जी, बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। आफत साला, आपने कुछ कहा जीजा जी? नहीं नहीं साले साहब, कुछ नहीं, आप नहाइए ना, आराम से नहाइए। इतना बोलकर ईशान बाहर आ जाता है और एक घंटे से भी ज्यादा समय बीत जाता है, लेकिन मोंटू बाथरूम से बाहर ही नहीं निकलता। और आखिर में ईशान गुस्से में बिना किसी को भी कुछ बोले दूसरे बाथरूम में नहा धोकर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मोंटू के आने के बाद मानो ईशान के घर में आफत ही आ गई हो। ऐसे ही एक दिन ईशान मूवी की टिकट बुक करके घर जाते ही सोनी को गले लगाकर उससे बोलता है, जान जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने हम दोनों के लिए मूवी की टिकट बुक की है, बहुत दिन हो गए हैं हम दोनों कहीं बाहर ही नहीं गए। तभी वहाँ पर मोंटू आ जाता है और फिर उससे कहता है, जीजू आप आ गए, जहाँ मेरे जीजू वहीं उनका मोंटू साला। जीजू आप और दीदी मूवी देखने जा रहे हो, मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा ताकि आप दोनों को बुरा ना लगे कि मोंटू हमारे साथ नहीं आया। चलिए जीजू मैं तैयार हूँ जाने के लिए। अरे साले हमें कोई बुरा नहीं लगेगा अगर आप नहीं जाओगे तो, और देखो ना आपके लिए तो मूवी की टिकट ही नहीं मिली है तो आप कैसे जाओगे, इसलिए आप आज घर पर ही आराम कर लो, हम दोनों मूवी देख कर आते हैं। दीदी जीजू को बोलो ना कि वो मुझे अपने साथ मूवी देखने लेके चलें, और आज पूरा एक दिन हो गया है जीजू मुझे कहीं लेकर भी नहीं गए। क्यों? आप मेरे भाई को हमारे साथ मूवी देखने क्यों नहीं ले जा रहे? मुझे पता है आपको मेरा भाई पसंद नहीं है, आप इसीलिए यह सब कर रहे हैं ना, ताकि वो यहाँ से चला जाए। हाँ नहीं पसंद मुझे तेरा ये सांड जैसा भाई, आफत बन चुका है, जाता ही नहीं है यहाँ से। अरे अब तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई बहन यहाँ से चले जाओ बस। मन ही मन खुद से बात करके ईशान सोचने लगता है कि वो अपने साले से इतना ज्यादा परेशान हो चुका है, तो गुस्से में उसका बैग उठाकर वो अपने घर से बाहर फेंक देता है और उसको अपने घर से निकाल कर अपनी आफत को एक बार फिर खुद से दूर कर देता है। पर तभी उसके फोन की बेल बजती है और उसका ये सपना टूट जाता है। जैसे ही अपना फोन देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सास का फोन आया है। वो फोन अपने हाथों से सोनी के हाथों में पकड़ा कर वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और कुछ ही देर के बाद सोनी उसके पास आती है और मोंटू का बैग पैक करते हुए कहती है, ये लड़का बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, इसके कॉलेज खुले आज 3 दिन हो गए हैं और इसने हम में से किसी को कुछ बताया भी नहीं। क्या सच में? मेरा मतलब है मोंटू को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसे तुम्हें पता कैसे चला ये? भूल गए आप, अभी माँ का फोन आया था, उन्हीं ने बताया कि मोंटू का कॉलेज खुल रहा है, उनके पास कॉलेज वालों की तरफ से फोन आया था, इसको ना कल टाइम पर छोड़ाना आप रेलवे स्टेशन। ये खबर सुनते ही ईशान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो अगले दिन समय से पहले ही उठकर मोंटू को उसके हॉस्टल छोड़ आता है, साथ ही घर आकर वापस चैन की सांस लेता है और एक बार फिर खुशी से अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये साला बना आफत की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसे जीजा जी जिनके साले साहब उनके साथ ऐसे करते हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।